गपशप विद करप्शन। तो दोस्तों आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है खुद करप्शन, जिनका आज हम इंटरव्यू लेंगे। तो आइए बुलाते हैं करप्शन को। प्लीज इस साल पास करा दो बोर्ड के एग्जाम में। प्लीज माता जी 101 का प्रसाद भी चढ़ाऊंगी, रोज मंदिर भी आऊंगी, इस साल पास करा दो। बेटा माता जी को अपनी पूरी इंट्रोडक्शन देके जा, माता जी के पास और भी क्लाइंट आते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं 10वीं की परीक्षा देने जा रही हूँ। तो दर्शकों आ चुके हैं हमारे गेस्ट खुद करप्शन। तो क्या आप तैयार हैं? मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ। अरे मैं आपसे पहला सवाल पूछूं, क्या आप रेडी हैं? अरे यार समझ गया, अब ऐसे तो मानेंगे नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। तो चलिए करप्शन पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मैं करप्शन हूँ, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरी वजह से बड़े बड़े मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। क्या बड़े बड़े मुश्किल काम आसान, वो कैसे? अरे इसमें क्या है, गिव सम मनी मेक समबडी करप्ट एंड गेट योर वर्क डन। अच्छा अच्छा समझ गया। तो आप ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मैं हर आम आदमी की जेब में से लेकर हर दफ्तर के मेज तक पाई जाती हूँ। तो आप फ्लरिश कैसे करते हैं? चलिए आपको बताना क्या है, दिखाई देती हूँ। चलिए मैंने भी खेलना है। अरे बच्चे नहीं खेलते, ये तू जा। मम्मी पापा को बताऊंगी। अरे 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 मेरी प्यारी गुड़िया, तूने काफी देर से चीजी नहीं ना खाई, ये पैसे पकड़ और चीजी खाई, ठीक है? और हाँ मम्मी पापा को कुछ मत बताना, ठीक है? मैं तो घर से शुरू हो जाती हूँ, मेरी नींव अपने घर वाले रख देते हैं। कुछ भी बुरा काम कराना हो बस मुझे यूज करो और अपना काम करा लो। तो आप ये बताइए कि आप और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? चलिए आपको आगे लेके चलते हैं एक ऑफिसर के मेज तक। फाइल है, आगे करा दो जरा। बहुत लंबी लाइन है भाई लोगों की। आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है। लाइन चलेगी तो कुछ होगा ना, लाइन तो रुकी हुई है। लाइन कैसे चलेगी? कुछ खर्चा पानी कुछ एनर्जी दोगे तो ही तो फाइल आगे चलेगी। ओहो वो तो मैं लेके आई हूँ। आपने तो मुझे इतना पसंद किया कि भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी रिश्वत दे दी। अरे ये सब तो ठीक है, आप मुद्दे की बात बताइए कि आपको खत्म कैसे किया जा सकता। अरे तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? तुमने मुझे बुलाया ही क्यों? अगर मुझे खत्म करना चाहते हो, मैं सारी दुनिया को खत्म कर सकती हूँ और तुम मुझे खत्म करोगे? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अरे बचाओ, खामोश, चलो यहाँ से। नहीं दादा। चलो इधर से निकलो तुम। नहीं। थैंक यू एंटी करप्शन, तुमने मेरे साथ साथ पूरे देश को बचा लिया। तो चलो मैं आज आपको करप्शन खत्म करने का तरीका बताता हूँ। फर्स्ट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। Self-discipline and self-introspection. As we say, a priest is the one who follows his own teaching. Thus, following the rules and regulations by themselves is very important. People research and study, but none of us can remove the impurities and defects of one's mind but oneself. Thus, it is very important to follow the principles of self-disciplines to have self-introspection and self-inquiry on daily basis. Second, strong check by government. Public servants demanding or taking money must be checked by strongly established rules and regulations by government. So strong check by government over rule breakers and imposing high fines so India can become corruption free. Third, awareness programs. Of their duties in fighting against this social evil. Thank you. Fourth, punishment. One way to eradicate corruption from a society is by punishing the culprits of corruption. He or she must be charged a fine or to send to the prison. Thank you. With all our efforts and by taking correct measures, we can uproot the corruption from our country. So we all youngsters together are responsible for a corruption-free India. So let us take a vow that we will make our nation corruption-free, self-reliant and vigilant.